मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से रवियोली, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनती हैं और इसे बनाना भी आसान है और इसे आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने इसे यहाँ गेहूं के आटे से बनाया है, आप चाहें तो सूजी या मैदे से भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी गेहूं का आटा, एक उबला कद्दूकस किया हुआ आलू, आधी गाजर बारीक कटी हुई, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ एक प्याज, आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी चम्मच सरसों के दाने यानी राई और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम एक बर्तन में डालेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा, आधी छोटी चम्मच नमक और एक छोटी चम्मच तेल डाल देंगे और आटे में इसे हम अच्छे से मिला देंगे। फिर हम आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। आटा हमने अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लिया है, अब आटे को हम ढक के रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालकर तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और साथ ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च, आधी चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और अब हम प्याज को चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज को हमने अब हल्का सा भून लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डालकर प्याज में अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक उबला कद्दूकस किया हुआ आलू, स्वाद के अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को हम एक साथ मिला देंगे और इन्हें हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। दो से तीन मिनट भूनने के बाद हम देखेंगे स्टफिंग हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और अच्छे से इसे भी मिला देंगे। गैस को अब हम ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। और ठंडा होने देंगे। अब ये स्टफिंग ठंडी हो गई है, अब हम आटे को खोलकर एक बार और मसलकर गूंथ देंगे। आटे को हम किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम आटे में से इस साइज की एक बड़ी लोई लेंगे और उसे हम गोल करेंगे और इस पर हम थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे हम रोटी के साइज के बराबर बेल लेंगे। फिर हम किसी कटोरी या छोटे ढक्कन की हेल्प से
इसकी छोटी छोटी बराबर पूड़ियां कट करेंगे। और ये बचे हुए आटे को हम बाकी आटे में मिला देंगे। फिर हम ये एक छोटी पूड़ी लेकर इसके सेंटर में हम थोड़ी सी स्टफिंग रख देंगे। ऊपर से हम इस पे दूसरी पूड़ी रख देंगे और साइड से दबाते हुए इसे अच्छे से हम सील करेंगे। आप चाहें तो इसे कांटे से इस तरह दबा सकते हैं। ऐसा करने से इस पर अच्छा सा डिजाइन भी आ जाएगा जो कि देखने में अच्छा लगेगा। और इस तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने अभी दो बनाकर तैयार कर ली हैं। ठीक इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। ये हमने सभी आटे की रेवियोली बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई में 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से हम उबलने देंगे। पानी अब अच्छे से उबल रहा है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। अब इन सभी को हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे। और इसे हम कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे और 7 से 8 मिनट तक इन्हें हम पानी में उबलने देंगे। बीच में एक बार खोलकर इन्हें हम चला भी देंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। आठ से दस मिनट बाद हम खोलकर देखेंगे। अब ये बहुत ही अच्छे से उबल चुकी हैं और आटा भी बिल्कुल कच्चा नहीं है। आप छू के देखेंगे तो आटा थोड़ा हार्ड हो गया होगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें हम अब एक प्लेट पे निकाल लेंगे। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही सर्व करें या तवे पर हल्का सा तेल डालकर इन्हें हल्का सेक भी सकते हैं। सेकने के लिए हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल गर्म होने देंगे और साथ ही डाल देंगे 1/2 चम्मच सरसों के दाने। डालकर पैन में अच्छे से फैला देंगे। और फिर ये आटे से बनी रेवियोली को हम पैन में रखेंगे। और इन्हें हम थोड़ा सा सेक लेंगे। इन्हें हम अलटते पलटते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से थोड़ी सी सिक जाए। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही तरफ से अच्छी सिक गई हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बची को भी इसी तरह सेक लेंगे। अब ये हमारा बहुत ही टेस्टी गेहूं के आटे से बना नाश्ता बनकर तैयार हो गया है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ ही हेल्दी भी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप भी एक बार जरूर बनाकर देखें और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।